हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईसीटी बुक्स। यूथ कंसर्न टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बुक लेकर आए हैं यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स के जी जनरल स्टडी और सी सेट के अप टू डेट सॉल्व पेपर, जिसमें आपको 1993 से लेकर 2021 तक के सारे पेपर्स आपको मिलने वाले हैं विथ रिवाइज्ड की के साथ, विथ डिटेल एनालिसिस के साथ आपको मिलने वाला है। तो अब तक जितने भी पेपर्स आपको हुए हैं, टोटल पेपर्स आपको जनरल स्टडीज के और सीसेट के जो भी पेपर्स हुए हैं, वो पेपर्स आपको इसमें आपको मिलने वाले हैं। आईएएस जीएस एंड सीसेट ये इंग्लिश मीडियम में रहने वाला है। बहुत से डिमांड्स होते हैं, सर इंग्लिश मीडियम लेकर आइए, तो फाइनली इंग्लिश मीडियम में आ चुकी है। इसके पहले हमने आईएएस सामान्यतर सीसेट का न्यू वर्जन लॉन्च किया था, जिसमें क्वेश्चन बाय लैंग्वेज थे, वो आपको मिल जाएगी। यूपीपीसीएस जनरल इंस्टीट्यूट और सीसेट का भी बुक लॉन्च हो चुका है, इंग्लिश वर्जन और हिंदी वर्जन दोनों में। और इसके अलावा हमारी समान अध्ययन और सीसेट के अलग अलग से पेपर्स भी लॉन्च हो चुके हैं। यूपीपीसीएस का हमारे पास कॉम्बो लॉन्च हो चुका है 5 बुक्स का, सीसेट का 5 बुक्स का कॉम्बो लॉन्च हो चुका है। इसके अलावा यूपीपीएस जीआईसी समान हिंदी स्पेशल मिल चुका है। उत्तराखंड की अगर बात करते हैं तो उत्तराखंड स्पेशल यूकेपीसीएस सीसेट और समान अध्ययन का सॉल्व पेपर आ चुका है। इसके अलावा आरओएआरओ एमपीपीएससी बीपीएससी छत्तीसगढ़ राजस्थान मध्य प्रदेश जेपीएससी हरियाणा के भी सीसेट और समान अध्ययन के पेपर आ चुके हैं। अगर इस बुक की बात करते हैं तो इसमें पेपर 1993 से लेकर 2021 तक रहने वाला है। इस बुक की जो प्राइस रहने वाली 595 रुपीज रहने वाली है। ये बुक दो पार्ट में आपके बनने वाली है। फर्स्ट पार्ट में आपके जो पेपर्स रहने वाले हैं जनरल स्टडीज के रहने वाले हैं, पेज नंबर 3 से लेकर पेज नंबर 624 तक। उसके बाद पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 192 तक सीसेट के सॉल्व पेपर्स रहेंगे। पेपर्स आपको यहाँ पे फर्स्ट पेपर जो आपको मिलने वाला है 2021 का पेपर मिलेगा, 2021 का, और लास्ट पेपर जो मिलेगा आपको 1993 का मिलने वाला है। सीसेट में आपको 2011 का एक पेपर फर्स्ट पेपर मिलेगा और लास्ट पेपर आपको सीसेट का 2021 का पेपर मिलने वाला है। तो टोटल जितने भी पेपर हुए हैं जीएस के और सीसेट के सारे पेपर्स यहाँ पे अवेलेबल आपको मिलने वाले हैं। ये पेपर्स आपके टॉपिक वाइज और ईयर वाइज रहने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक जनरल स्टडीज का एक सीसेट का पेपर रिव्यू करके दिखा दूंगा। और हमारी जो जीएस प्लानर है 7 वॉल्यूम्स की, वो इंग्लिश वर्जन में लॉन्च हो चुकी है। साथ ही साथ ये हिंदी वर्जन में भी अवेलेबल होती है। अगर आप इंग्लिश वर्जन के इंग्लिश वर्जन में चाहते हैं तो आप ये ले सकते हैं। फर्स्ट वॉल्यूम में इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन है, सेकंड में आपको इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी मिलेगा, थर्ड में आपको जनरल साइंस एंड साइंस टेक्नोलॉजी है, फोर्थ में आपको एशियन एंड मिडवल हिस्ट्री रहने वाली है। इसके बाद आपका मॉडर्न इंडिया इंडियन नेशनल मूवमेंट 5th वॉल्यूम में है, 6th वॉल्यूम में आपको इंडियन इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट है, 7th में आपको एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी मिलने वाली है। ये आपको 7 वॉल्यूम्स की बुक अवेलेबल मिलने वाली है। इसके अलावा हमारा वाईसीटी का सब्सक्रिप्शन ऐप लॉन्च हो चुका है, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या इस क्यूआर को स्कैन करके डायरेक्ट इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको सारे ई बुक्स मिलेंगे, जो हमारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल होती है वो मिल जाएंगी, क्विजेज मिल जाएंगे, डेली क्विजेज मिलेंगे आपको प्रैक्टिस के लिए, करंट अफेयर्स मिलेगा, साथ साथ एग्जाम के नोटिफिकेशन भी मिलने वाले हैं। ये आपको जो रहेगा पूरा एप्लीकेशन, जिसमें पास अवेलेबल है 199 में 3 मंथ के लिए, 299 में 6 मंथ के लिए, और 399 में आपको 12 मंथ के लिए पास अवेलेबल हुआ है। ये ऐसा ही लोगो आपको वहाँ पे मिलने वाला है। तो ये एप्लीकेशन आप क्यूआर से स्कैन करके या डायरेक्ट प्ले स्टोर पर सर्च करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। आइए पेपर रिव्यू देखते हैं। पहला तो पहला जो 2021 का जीएस का पोर्शन रहने वाला है, सबसे पहले इसमें एशियन हिस्ट्री के जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो बता दे रहे हैं। प्री हिस्ट्री पीरियड से क्वेश्चन पूछा गया, उसके क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे। टॉप सब्जेक्ट, उसके बाद टॉपिक्स, जो टॉपिक्स रहने वाला है वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। इसके बाद आपका यहाँ पे 4 क्वेश्चन आप इससे पूछे गए हैं, जिसमें आपके गुप्त एंड पोस्ट गुप्त पीरियड है उसके क्वेश्चन है। इसके अलावा बुद्धिज्म जैनिज्म रिलीजन से क्वेश्चन है। इसके बाद आपका आता है मेडिवल हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें जो टॉपिक्स रहने वाले हैं वो इसमें डिफाइन किए गए हैं। इसके बाद आपका मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन पूछा गया है, मॉडर्न इंडिया में आपके आर्ट एंड कल्चर से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो भी आपको यहाँ पे डिटेल से एनालिसिस मिल जाएगा। हर एक क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस आप देख सकते हैं यहाँ पे दी गई है। इसके बाद आपका इंडियन जियोग्राफी मिलता है, जिसमें फिजिकल स्ट्रक्चर एंड ह्यूमन जियोग्राफी ड्रेनेज सिस्टम ये मिल जाएगा। वर्ल्ड जियोग्राफी में आपका ट्रॉपिकल जोन एवं वर्ल्ड फॉरेस्ट एरिया से क्वेश्चन जो पूछेगा वो मिल जाएगा। आपका हाइड्रोस्पेयर है, एग्रीकल्चर से क्वेश्चन पूछे गए हैं जो वो मिल जाएंगे। टॉपिक्स मैं बता दे रहा हूँ किस किस टॉपिक्स है। इसके बाद इंडियन पॉलिटिक्स आपके क्वेश्चन है, जिसमें सेंट्रल स्टेट यूनियन टेरिटरी पार्लियामेंट सिस्टम से क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो सब तीनों क्वेश्चन यहाँ पे पार्लियामेंट से ही रहने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पे आपका फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं डायरेक्ट वो दिए गए, फंडामेंटल ड्यूटीज से हैं वो आपको यहाँ पे अवेलेबल पूरे मिल जाएंगे टॉपिक वाइज। और फिर जुडिशरी सिस्टम से जो क्वेश्चन पूछा गया वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये पॉलिटिक्स हो गया। इसके बाद आपका 5th एंड 6th शेड्यूल ट्रिबल रीजन से है, सिटीजनशिप से जो क्वेश्चन है
वो आपका पूछा जाने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका इकोनॉमिक्स जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इकोनॉमिक्स में आपके बैंकिंग सिस्टम एंड मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लेशन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो आपको यहाँ पे दिया जाएगा। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड फॉरेन ट्रेड से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। इसके बाद साइंस आता है, साइंस में सबसे पहले फिजिक्स है, फिजिक्स के बाद यहाँ पे केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, केमिस्ट्री के बाद जूलॉजी से, जूलॉजी के बाद बॉटनी से क्वेश्चन रहने वाला है, और इसके बाद यहाँ पे साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन रहने वाले हैं। फिर आपका इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे। तो ये इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके। 89 क्वेश्चन जो आपके करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया, करंट अफेयर में भी टॉपिक्स होते हैं जैसे अवार्ड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके बाद स्पोर्ट्स से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो दिए गए हैं। आपका कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन सीरीज है जो लास्ट में हमने यहाँ पे दे दिया गया है। तो टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन रहने वाले हैं वो सारे हमने आपको बता दिए, सब्जेक्ट और टॉपिक वाइज ऐसे ही सारे पेपर्स का एक्सप्लेन हमने यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको सोल्यूशन के साथ साथ टॉपिक्स भी मिल जाते हैं कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पेपर आपका जो जीएस का होता है 200 नंबर का होता है, तो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगी। तो ये डिटेल आप देख सकते हैं, 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया, नेक्स्ट पेपर आपका ये 2020 का पेपर रहने वाला है। अब मैं लास्ट पेपर आपको, ये तो हो गया आपका जनरल स्टडी का, अब मैं सीसाइड के पेपर आपको दिखा दे रहा हूँ। लास्ट पेपर जो यहाँ पे रहने वाला है ये 80 क्वेश्चन का रहने वाले हैं, वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको सीसैट सेकंड पेपर जो होता है वो आपको मिल जाएगा। ये हिंदी वर्जन में भी अवेलेबल है, हिंदी वर्जन हमने ऑलरेडी बुक रिव्यू कर दिया है। डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज जो क्वेश्चन पूछा गया है, पैसेज है, पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, सेकंड पैसेज से यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद आपका यहाँ पे पैसेज फिर से स्टार्ट हुआ है और यहाँ सेकंड पैसेज इसका दिया गया है। फिर लॉजिकल रीजनिंग एबिलिटीज क्वेश्चन है, यहाँ पे पैसेज आपको दिए गए हैं, एक पैसेज यहाँ पे दिया गया है। फिर डायरेक्शन से दो पैसेज यहाँ पे दिए गए हैं, आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे तीसरा पैसेज, फोर्थ पैसेज आपको यहाँ पे मिलने वाला है। फिर यहाँ पे आपको डायरेक्शन फोर आइटम्स से पैसेज वन यहाँ पे मिल जाएगा, और यहाँ पे पैसेज सेकंड, पैसेज थर्ड, पैसेज फोर्थ, यहाँ पे आपको पैसेज फोर्थ से क्वेश्चन यहाँ पे अवेलेबल आपको मिलने वाला है। फिर 19 क्वेश्चन है, फिर यहाँ से आपका फिर पैसेज वन यहाँ से स्टार्ट हुआ है 21 के लिए, फिर यहाँ पे 22 के लिए क्वेश्चन तो रहने वाला है, पैसेज टू में 22 के लिए क्वेश्चन तो रहने वाला है, फिर 23 के लिए पैसेज 3 के लिए रहेगा, 24 में पैसेज 4 के लिए क्वेश्चन आपका रहने वाला है। फिर यहाँ पे जनरल मेंटल एप्टीट्यूड्स क्वेश्चन जो रहने वाले हैं 25, 26, 27, 28, 29, 30, ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे जनरल मेंटल एप्टीट्यूड्स यहाँ पे रहने वाले हैं, वो मिल जाएगा। फिर बेसिक न्यूमेरिकल एबिलिटीज जो क्वेश्चन रहने वाला है वो आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलने वाला है। तो काफी अच्छा एक्सप्लेन करके यहाँ पे दिखाया गया है, ये चीजें आपको मिलने वाली है। लास्ट में आपको इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर कम्प्रिहेंशन जो क्वेश्चन पूछे गए वो आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो 75 से लेकर आपका 80 तक के क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाले हैं, तो 4 पैसेज आपको इसमें दिए गए हैं। टोटल 80 क्वेश्चन इसके 200, वहाँ पे 100 क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिल जाएंगे 200 नंबर के। तो टोटल आपका जीएस और सीसैट का हमने रिव्यू करके बता दिया, 2016 का पेपर से यहाँ पे रहने वाला है, वो आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा। ये बुक अवेलेबल मिल जाएगी आपको अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे और इंस्टा मोजो पे। डायरेक्ट आप व्हाट्सएप के थ्रू परचेज कर सकते हैं, 7518340504 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, उसके थ्रू भी ऑर्डर बुक कर सकते हैं, नहीं तो आप हमारी वेबसाइट या हमारे एप्लीकेशन के थ्रू भी ऑर्डर बुक कर सकते हैं, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट कर बताइएगा, आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। थैंक यू गाइज़।